लटेरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को ग्राम मुरवास पंचायत पहुंची, जहां पर सरपंच उमर खान चौधरी और स्थानीय लोगों द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा के इस आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र जैन ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे योजनाओं को समझें और लाभ लेते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। इसी क्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह बघेल ने कहा कि आम जन के जीवन को आसान और समृद्ध बनाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से पूरे देश में निकाली जाने वाली यात्रा है और नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प से सिद्धि तक उनकी यात्रा पूर्ण हो, इस दृष्टिकोण से इस ढंग के आयोजन किए जा रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से विकास के काम भी ठीक ढंग से हों और हितग्राही मूलक योजना उसका लाभ जनता को मिले, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। सभी वर्ग का कल्याण हो, सभी वर्ग का हित हो, हितग्राही मूलक योजनाएँ आम जन तक पहुँचे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित, नरेंद्र मोदी की सरकार के माध्यम से संचालित योजना उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण से ढंग की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। अभी कितने आवेदन प्राप्त हुए? विकसित भारत संकल्प यात्रा का मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, प्रत्येक हितग्राही को उसका लाभ समय पे मिलना, जो लोग लाभ से वंचित रह गए हैं उनको कैंप लगाकर लाभ मिला। कितने आवेदन प्राप्त हुए? कुछ लोगों को लाभ मिला हो, जैसे एक दो? आज मुरवास में 48 आवेदन हुए हैं, जिसमें से कुछ का मौके पर ही निराकरण किया गया। लगभग पूर्ण रूप से कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे प्रकरणों में जो उचित हुआ है उनकी कार्रवाई पूरी करी गई है, जो पात्र हितग्राही थे उनको लाभ दिलाया गया है।